Reaction TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मैं मुतीउर्रहमान अजीज़ ग्रुप एडिटर पैगाम मादर वतन दिल्ली से तमाम दोस्तों से मुखातब हूँ एक नए गीदड़ भक्की के खिलाफ आवाज़ लेकर के कि एक शैतान खान नामी शख्स हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीधे साधे अफराद को डराने धमकाने और उन्हें पैनिक करने के लिए आज एक इकदाम करता हुआ दिखाई दिया है और उसने बताया है उस शैतान ने कि NIA से हमने अपील की है कि वो आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहबा के खिलाफ जांच करें तो मैं तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के भाइयों बहनों माओ और बुजुर्गवार से ये कह देना चाहता हूं कि ऑलरेडी आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहबा के खिलाफ हुकूमतें ब्लैकमेलर हुकूमतें ब्लैकमेलर पार्टियां जिनका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन है उसने बहुत सारी कोशिशें करके 4 महीने की जांच पड़ताल के बाद आज तक 1 रुपए का खुर्द बुर्द नहीं निकाल सका है। अब ये MIM के कुछ पिट्ठू और दलालों के जरिया से एक नया चाल चला जा रहा है जिसका हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर और उसके इन्वेस्टर पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये इकदाम MIM का मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन का ये इकदाम सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भक्की के अलावा कुछ नहीं है। NIA दरअसल क्या है? मरकजी सरकार के तहत मरकजी हुकूमतों के तहत चलने वाली एजेंसियां हैं, खुद मुख्तार एजेंसियां हैं जो मरकजी हुकूमत वज़राए आज़म के कहने पर किसी जांच पर कदम बढ़ाती हैं, किसी ऐरे गहरे नथू खेरे कीड़े मकोड़े के कहने पर किसी के लेटर देने पर कोई इस तरह की बावकार एजेंसी जैसे NIA CBI CID इस तरह की चीज़ें जांच पड़ताल नहीं करती हैं। लिहाजा मैं तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के भाइयों बहनों से ये मुअद्दबाना इल्तमास करता हूं कि गीदड़ भपकी के इस अंदाज को भी पहचाने जैसे इससे पहले 12 आप लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप लोग ये समझ जाएं, इसको इनकार कर दें और इसके गीदड़ भपकी में बिल्कुल ना आए। और अक्सर बेशतर लोग ये समझते हैं और जानते हैं कि जिस MIM के काले करतूत के पीछे आज तक आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के खिलाफ एक भी जर्रा बराबर कोई सबूत खुर्द बुर्द का कोई सबूत नहीं आया है, उनके बिजनेस पर एक नुकता नहीं आया है। तो लिहाजा ये MIM की एक नई साजिश और षड्यंत्र ही समझा जाए कि ये षड्यंत्र इन बौखलाए हुए MIM के दलालों का एक कदम है जो इधर उधर जांच के नाम पर लोगों को पैनिक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा जांच पड़ताल के दायरे में अव्वले दिन से हैं, वो गिरफ्तार हैं, उसके बावजूद एक नई जांच एजेंसी से ये कहना कि इनका जांच किया जाए उन जांच एजेंसियों पर सवाल उठाने के बराबर है, सवाल उठाया जा रहा है। यानी कि ये MIM वाले कह रहे हैं कि वो जांच एजेंसियां जो हैदराबाद के तहत महाराष्ट्र के तहत और दूसरे रियासतों के तहत आपा डॉक्टर नौहरा शेख का जांच कर रही थी उन पर ये सवालिया निशान MIM वाले उठा रहे हैं, लिहाजा उनकी जांच से ये मुतमईन नहीं है और ये NIA से जांच कराने का मुतालबा कर रहे हैं जो मुमकिन ही नहीं है और जो ऑलरेडी जांच के दायरे में है उसका मजीद और जांच क्या किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ MIM की बौखलाहट है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के तमाम भाई और बहनों का यूनिटी है जिससे घबराई हुई MIM कभी किसी पर FIR करने की धमकी देती है, कभी किसी को जेल में डालने की धमकी देती है, कभी किसी को मारने की धमकी देती है और कभी किसी को डराने और वरगलाने की धमकी देती है। लिहाजा MIM का ये एक षड्यंत्र और साजिश ही समझा जाए कि वो NIA से अपील कर रही है कि इनकी जांच करो, जो कि ऑलरेडी जांच पर हैं उनकी जांच क्या की जाएगी। लिहाजा मैं मुतीउर्रहमान अजीज बड़े बावसूक तरीके से MIM के इस षड्यंत्र और साजिश को नकारता हूं
और मजम्मत करता हूं इन लोगों के इन अकदामात की जो एक मुस्लिम बहन के खिलाफ ये लोग साजिश का नित नया तरीका अंजाम दे रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।